की बात करें तो उसमें गिरावट है और इस गिरावट को लीड कर रहा है गोदरेज कंज्यूमर्स। कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट्री आई है जिसके चलते आप 6% की का कट देख रहे हैं स्टॉक प्राइस पे। आइए मैनेजमेंट ने क्या कुछ बोला है ये जानते हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। पूजा बताइए। जी, GCPL में हम देख रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर में सुबह से ही कमजोरी है। ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो कमेंट्री आई है वो काफ़ी कमज़ोर है। एक एक करके हम आपको बता देते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि FMCG इंडस्ट्री में इस तिमाही काफ़ी धीमी ग्रोथ देखने को मिली है, और उनका कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि कंजम्पशन जो है वहाँ पर दूसरी छमाही से सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अर्बन की तुलना में अगर ग्रामीण इलाकों को कंपेयर करें तो वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा स्लो दिखाई देती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धीमी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। जो कुछ टारगेट्स कंपनी ने सेट किए हैं वहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि आने वाले समय में सेल्स ग्रोथ में तो 8-9% की ग्रोथ की उम्मीद वो कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहां पर करीब 5-6% की गिरावट वॉल्यूम में देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी उनका कहना है कि जो एबिटा रहेगा Q2 में वहाँ पर भी एक गिरावट आ सकती है, मिड टीन यानी कि 14-15% की गिरावट एबिटा में भी देखने को मिल सकती है Q2। तो ये सारे जो कॉमेंट्री आई है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट आई है वहाँ पर भी कमेंट्री नेगेटिव ही आ रही है। सिटी ने जो रिपोर्ट जारी की है हालांकि खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 1050 का दिया है, लेकिन इनकी कमेंट्री में उनका कहना है कि डिमांड ट्रेंड अभी काफ़ी धीमी दिखाई दे रहे हैं और इन्फ्लेशन के चलते जो महंगाई में बढ़त देखने को मिल रही है उससे कंपनी के आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी पर असर रहेगा। तो ये जो तमाम कॉमेंट्रीज आ रही हैं ब्रोकरेज की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। जी बिल्कुल, धन्यवाद पूजा। अब ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि क्या कुछ मैनेजमेंट ने कहा है और इस पे ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू निकल कर सामने आ रहा है। हम पहले ही बात कर रहे थे गोदरेज कंज्यूमर्स की, जहाँ पे काफ़ी गिरावट हम देख पा रहे हैं, पर अविनाश जी एक बार आपसे समझेंगे। देखिए कुछ रिपोर्ट्स ये भी अब हाईलाइट कर रही हैं, यह मैनेजमेंट का व्यू तो रिस्पेक्ट करते हैं, पर कई रिपोर्ट्स सामने ऐसे आ रहे हैं कि सेकेंड हाफ में FMCG जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है इस साल के। आपका क्या नज़रिया बन रहा है, क्या यहाँ पे कुछ लंबे समय के लिए, जैसे इंडिया की ग्रोथ और कंजम्पशन स्टोरी बिल्डअप होती है तो क्या लंबे समय के लिए इन काउंटर्स में एंट्री करनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से हम इन्फ्लेशन की सिचुएशन देख रहे हैं आने वाले एक साल में थोड़ा सा पेन पॉइंट रह सकता है, आपकी क्या राय है? डेफिनेटली सृष्टि, सेकंड हाफ में डिमांड अच्छी बढ़ेगी ऐसा मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मानसून के बाद सेकंड हाफ में नॉर्मली जो बड़ा सीजन होता है वो FMCG कंपनीज का होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने इन्फ्लेशन की बात की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये सारी कंपनीज में इतना सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर होता है कि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अपने सेलिंग प्राइसेस यू नो मार्कअप करते हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन को अकाउंट करने के बाद, प्राइस इंक्रीज अकाउंट करने के बाद भी इनको अच्छे खासे सेलिंग प्राइसेस मिलते हैं। तो ये इन कंपनीज की खासियत है, क्योंकि इनके प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं, कस्टमर्स इनके ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन स्पेस में डेफिनेटली अगर आज आपको कोई गिरावट देखने को मिलती है तो इन्वेस्टर्स जो लंबे अवधि के लिए यू नो प्लान कर रहे हैं कि FMCG यू नो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, तो अच्छा मौका है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन और सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो सकता है। तो ये बाय अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली नेक्स्ट 6-8 months इन कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्युमुलेशन की राय रहेगी, लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट टर्म नहीं, बट कम से कम 6-8 महीने का टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे खरीदी की जा सकती है। ठीक है, 6-8 महीने का व्यू लेके आप FMCG स्पेस में खरीदारी कर सकते हैं। GCPL कमेंट्री आई थी कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है मिड सिंगल डिजिट से, ठीक है, माने 5-6%। हाँ जी अभिषेक, 5-6% की, पर डिसेंट है। हाँ, अब देखिए कि अब अक्टूबर से सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है, दशहरा है, दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस है, उसके बाद होली है, तो